नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई 2024 और 18 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी, हाल में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन और अमित शाह ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की एक कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। कल किसी कारणवश आपको क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन कल वाला जो करंट है वो आज आपने एक साथ आज अपने कवर करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो परसों अपनी क्लास आई थी उसको रिवाइज करेंगे। स्पेन ने किस देश को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता? तो इंग्लैंड को हराया। विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन है? तो कार्लोस अल्काराज। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय INS टावर्स का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुंबई में। केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो नेपाल के। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ होगा? तो गोवा में। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2060 के दशक तक कितने बिलियन तक पहुंच जाएगी? तो ये पहुंचेगी 1.7 बिलियन है। ये थे कल के परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज है। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं बढ़िया तरीके से, और ऐप के अंदर आपको लिए अभी भी 49 रुपए के अंदर आपको टैसरी दी जा रही है। तो 3-4 दिनों से आपके लिए ऑफर चल रहा है, जितनी भी अपनी टैसरीज है मात्र आपको 49 रुपए के अंदर दी जा रही है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान है, इसका भी आपको 49 रुपए में दी जा रही है, 1 साल की वैलिडिटी है। और इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की है टैसरीज अपनी, इस पे भी छूट चल रही है। इसके अलावा RBSE फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ही क्वेश्चन पेपरों की PDF अपलोड है, इस पर भी आपको मात्र 50 रुपए के अंदर ये PDF आपको दी जा रही है। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा देश 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा अब की बार अपना देश भारत। इसका आयोजन होगा आगामी नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा, भारत के अंदर। पिछली बार इसका आयोजन हुआ था चीन के अंदर। पिछली बार है जो पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था ना, वो हुआ था चीन के अंदर है, और दूसरा होगा अब की बार है भारत के अंदर। कब है? 11 और 12 सितंबर को। भारत 11 और 12 सितंबर को दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसके अंदर चीन और पाकिस्तान सहित लगभग 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल है होंगे। तो 40 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एशिया प्रशांत क्षेत्र वैश्विक हवाई यातायात में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक विमानन बाजार है, बनने जा रहा है। पहला एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2018 के अंदर बीजिंग में आयोजित किया गया, यानी कि चीन की राजधानी है बीजिंग, वहां पर आयोजित किया गया 2018 में, और अब ये भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर है। अब दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है आयोजित होगा। यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी है। यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बनी है, तो वो बन चुकी है रोबोर्टा मेत्सोला, ऑप्शन नंबर बी कौन बन गई? रोबोर्टा मेत्सोला है ये यूरोप संघ की विधानसभा के इतिहास में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन चुकी है। देखो, ये है माल्टा की एक प्रमुख राजनीतिक, रोबोर्टा मेत्सोला ने यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, और वो यूरोपीय संघ की विधानसभा के इतिहास में
उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन गई है। अपने नेतृत्व और वकालत के लिए जाने जाने वाली मैथसोला ने यूरोपीय संघ के राजनेताओं से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया और उनके पक्ष में 623 में से 562 वोट मिले हैं। कितने मिले? 623 में से 562 वोट इनको मिले हैं और ऐसा करने वाली यूरोपीय विधानसभा की पहली महिला ये बन गई। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? हाल ही में 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये किया गया कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। कहां पर है? कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, वहां पर है। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया गया और इसके अंदर भारत ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अंदर 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। तो 35वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड आयोजन 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक है अस्ताना कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 में भाग लेने वाली भारतीय टीम ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। इसके अंदर 1 छात्र ने स्वर्ण और 3 छात्रों ने रजत पदक जीता है। तो 1 छात्र ने स्वर्ण पदक जीता, वो है मुंबई महाराष्ट्र से वेदांत सांकरे, जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। बाकी 3 छात्रों ने इसके अंदर रजत पदक जीता है। तो भारतीय टीम ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया है। कौन सा देश अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू करने जा रहा है? कौन सा देश है अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है 1933 शुरू करने जा रहा है? तो वो करने जा रहा है अपना देश भारत। तो अपने गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा ये हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए जाएंगे 1933। याद रखना किसके द्वारा? भारत देश के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। तो ये भारत का पहला ये टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर है 1933, तो ये लॉन्च करने जा रहा है। तो भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 शुरू करने जा रहा है। साथ ही मेंस यानी कि मातक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से एक ईमेल सेवा भी शुरू किया। आजकल आपको पता है मादक पदार्थ नशे वगैरह सबसे ज्यादा हो रहे हैं भारत के अंदर, सबसे ज्यादा धीरे धीरे इन्हीं का जो है बढ़ रहा है। तो इसी को लेकर 1933 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए। 18 जुलाई को 7वें नार्को समन्वय केंद्र की बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। यानी कि आज 18 जुलाई को इसको 7वें नार्को समन्वय केंद्र की बैठक के द्वारा यहां पर इसको लॉन्च किया जाएगा। अमित शाह ने किस शहर में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? तो ये किया इंदौर मध्य प्रदेश। कहाँ पर किया है? इंदौर मध्य प्रदेश में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया ये है। कहाँ से किया है? इंदौर मध्य प्रदेश से। देखो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह। उन्होंने 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के इंदौर से राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन है किया है। इनकी जो राज्य के जो सभी है ना 55 जिले, वहां पर उन्होंने कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। शुरुआत उन्होंने की है इंदौर से। उन्होंने कहा कि इंदौर को अब तक कॉटन हब और स्वच्छता हब माना जाता था, लेकिन अब यह एजुकेशन हब बनने की अग्रसर हो रहा है। तो ये पहले इसको कॉटन हब बोलते थे, स्वच्छता के क्षेत्र में भी इंदौर सबसे टॉप पर है, और अब इसको बनाया जाएगा एजुकेशन हब यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में एक हब और इसको बनाया जाएगा। किसको? इंदौर को। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा इसका उद्घाटन किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। एशिया की पहली ये स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम है प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा, और इसका उद्घाटन किया गया फरीदाबाद हरियाणा में। तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यानी कि THSTI में एशिया के पहले स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी का उद्घाटन किया। यह संस्थान जिसे इपिडेमिक प्री डेनर्स इनोवेशंस ने चुना है,
और ये एशिया की पहली और वैश्विक रूप से 9वीं सुरक्षात्मक स्तर के पैंथोजेंस को संभालने वाली सुविधा के रूप में महत्वपूर्ण है। तो ये याद रखना कहां पर किया गया, फरीदाबाद है हरियाणा के अंदर, किसके द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? लगा लो स्टार इस क्वेश्चन को कि किस राज्य सरकार ने एक ही दिन के अंदर 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो ये लगाया मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने, मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव है, उन्होंने इंदौर शहर से, इंदौर के अंदर इन्होंने एक ही दिन के अंदर 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड है बना दी। देखो 11 लाख पेड़ बहुत होते हैं। तो देखो मुख्य तथ्य, मोहन यादव ने कहा कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है ये, और मध्य प्रदेश की राजधानी है इंदौर ने अब एक दिन में 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम में कर लिया। अब मध्य प्रदेश की राजधानी वैसे तो भोपाल है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो आर्थिक राजधानी पूछी है इसने, देखो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर, वैसे तो राजधानी भोपाल है, तो आर्थिक राजधानी इंदौर ने एक दिन के अंदर 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी के साथ मोदी जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए के दिन एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत भी की थी। ये पॉइंट भी साथ में आपको नोट करना है, तो दोनों चीजें मैंने साथ में आपको बता दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को किस राज्य के पुलिस महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है राजीव कुमार, इनको दोबारा नियुक्त कर दिया पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी। इसका पश्चिम बंगाल राज्य का नया डीजीपी इनको दोबारा नियुक्त कर दिए। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो 15 जुलाई को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। श्री कुमार संजय मुखर्जी का स्थान इन्होंने लिया। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त इनको किया गया था। इनके संजय मुखर्जी को चुनाव के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन अब दोबारा राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का नया डीजीपी नियुक्त कर दिया। हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर में पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की है? हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग ने किस शहर के अंदर है पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की? तो ये की है देहरादून के अंदर। ऑप्शन नंबर एक है, उत्तराखंड का एक राजधानी है देहरादून है, वहां पर उत्तराखंड के अंदर पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की गई। यानी कि देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, और ये पक्षी प्रजातियों का सबसे ज्यादा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 15 जुलाई को देहरादून में प्रकृति शिक्षा केंद्र जोली ग्रांट में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई, जो विजिस्ट को राज्य के पक्षियों की आकर्षक झलक ये दिखाती है। उत्तराखंड में भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती है, जिनकी संख्या 710 से अधिक है। तो उत्तराखंड के अंदर भारत में सबसे अधिक पक्षी प्रजाति पाई जाती है, कितनी संख्या है? 700 से अधिक इनकी संख्या है। तो बड़ा गजब का ये क्वेश्चन है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक वगैरह आता है, कोई सूचना आती है तो टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत की वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 कहाँ प्रारंभ किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन बोल रही हूँ, किस राज्य में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलेगा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जा जाते लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा अपनी एलडीसी वगैरह इन सभी पर है 50-50 रुपए के अंदर छूट चल रही है, भी बढ़िया तरीके से आप ले सकते हो। सीटी की वगैरह है, और इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट है, वरिष्ठ अध्यापक आगे, इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड है, एनसीईआरटी जनरल साइंस, इन सभी पर आपके लिए 50% की छूट आपको दी जा रही है। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।